आज का टॉपिक है हमारा इनडिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट फॉर्म। हाँ सर वो जो आप बोल रहे थे रेंज का भी लाइफ कैसे होगा, वो कब होगा? रेंज का कल कर लेंगे या आज रात को भी कर सकते हैं अपने, कोई वैसा इशू नहीं है। 9:30 बजे से ठीक। ओके तो देखो इनडिटरमिनेंट एंड डिटरमिनेंट फॉर्म इसमें अंतर क्या होता है। डिटरमिनेंट फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? अ फॉर्म इन विच वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इजीली। सर आपने लास्ट क्लास में कहाँ तक करवाया था? लास्ट क्लास में मैंने ये करवाया था, यहाँ तक वो GIF वगैरह वाले ये सर सब आपने लास्ट क्लास में मेन करवाया था क्वेश्चंस लास्ट। करवाए हैं। हाँ ये सब किया था लास्ट क्लास में हम लोगों ने। सर टाइम टेबल में तो ट्रैक 1 दिया है। कौन चीज पर? टाइम टेबल में नहीं, मेरे टाइम टेबल में तो आज का यही तुम लोग का ही बैच दिया हुआ है। ठीक है, एक्चुअली है क्या कि इसमें जुलाई बैच और खारगर वगैरह वाले मिक्स हैं। ठीक है, तो हुआ क्या होगा कि जैसे खारगर वगैरह वालों को मैं ट्रैक 1 पढ़ाता था और GSM सर ट्रैक 2 पढ़ाते थे, और जुलाई वालों को GSM सर ट्रैक 1 पढ़ाते थे और मैं ट्रैक 2 पढ़ाता था। तो तुम ये समझो कि वो मैं नेक्स्ट टाइम से क्लियरली मेंशन करवा दूंगा टाइम टेबल में, आज तो मेरा ही है। ओके सर। डिटरमिनेंट फॉर्म का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्म इन विच वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड इजीली। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है? अ फॉर्म इन विच वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बट आफ्टर सम मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन, बट आफ्टर सम मैनिपुलेशन या कैलकुलेशन। ठीक है, इसको लिख लो फिर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। चलो लिख लिया। जस्ट अ मिनट सर। हो गया। यस इज यस दिस अ न्यू चैप्टर? नहीं, ये लिमिट्स प्रणव, ये लिमिट्स का पार्ट है। लिमिट्स की स्टार्टिंग लास्ट क्लास में की थी ना, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो इसको समझने के लिए, जैसे मान लो सी इज इक्वल टू ए इंटू बी है, तो मैं से कॉलम बनाता हूँ, जैसे ये ए वाला है, ये बी वाला है और ये सी वाला है।
अच्छा जैसे बताओ कि से अगर ए टू की तरफ जा रहा हो और बी थ्री की तरफ जा रहा हो और सी ए इंटू बी है तो सी किधर जाएगा? सिक्स की तरफ। गुड। अच्छा जैसे मान लो ए जीरो की तरफ जा रहा है, बी टू की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किधर जाएगा? जीरो। 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 अच्छा ए जैसे मान लो टू की तरफ जा रहा है, बी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ। तो अगर तुम सेकेंड और थर्ड वाला पॉइंट देखो, तो अगर जैसे प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में एक टर्म जीरो की तरफ अगर जा रहा होता है तो वो पूरे प्रोडक्ट को जीरो की तरफ खींच के लेके चला जाता है, और प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में अगर एक टर्म इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है तो वो पूरे प्रोडक्ट को इन्फिनिटी की तरफ लेके चला जाता है। अब मैंने चौथा केस लिखा, ये जीरो की तरफ जा रहा है और बी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो बताओ सी किधर जाएगा? जीरो की तरफ। देखो ये क्या कहता है, ये बंदा क्या कहता कि क्योंकि मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ, एक कहता क्योंकि मैं जीरो की तरफ जा रहा हूँ इसलिए मैं पूरे प्रोडक्ट को जीरो की तरफ लेके चला जाऊंगा, और बी क्या कहता क्योंकि मैं इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हूँ इसलिए मैं पूरे प्रोडक्ट को इन्फिनिटी की तरफ लेके चला जाऊंगा। इसका मतलब दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए, एक कह रहा है कि मैं पूरे प्रोडक्ट को जीरो की तरफ लेके चला जाऊंगा और दूसरा कह रहा है कि मैं पूरे प्रोडक्ट को इन्फिनिटी की तरफ लेके चला जाऊंगा। तो जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं क्या कि वो किधर जा रहा है? नहीं। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है। अच्छा इन तीन को हम लोग क्या कहते हैं? डिटरमिनेंट फॉर्म। इन तीन को हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म, मतलब अगर हम लोग डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि किधर जा रहा है तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म, और अगर डायरेक्टली नहीं बता पा रहे तो वो किधर, उसको क्या कहेंगे? इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ठीक है। सो यस सर, जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये हमारा पहला इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया। टोटल हम लोग कितने इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ने वाले पता है? हम लोग टोटल 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ने वाले, उसमें से पहला इनडिटरमिनेंट फॉर्म ये है। अच्छा अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एनालाइज कराऊंगा तुमको। सो नाउ लेट्स गो इनटू जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग। अब देखो जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग वो हो सकता है कि जीरो की तरफ चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो इन्फिनिटी की तरफ चला जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई कांस्टेंट नंबर की तरफ चला जाए। ठीक है। जैसे मैं तुमको एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे केस वन लिया हम लोगों ने। अच्छा मैं चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूँ, सिंगल डिवाइस से ही लॉग्ड इन हूँ, तो अगर किसी को कुछ डाउट है अनम्यूट करके पूछ लेना, चैट बॉक्स में मत लिखना। yes, ठीक है। तो देखो मेरा एम क्या, इंडिटरमिनेंट के केसेस कर रहे हैं ना? हाँ, अभी अभी जो है मैंने बताया कि अभी तक ये बताया कि जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग ये एक इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता है, और जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो सकता है जीरो की तरफ भी चला जाए, हो सकता है इन्फिनिटी की तरफ भी चला जाए, हो सकता है कांस्टेंट भी हो जाए। तो मैं अब ये इन तीनों के केसेस लूंगा, केस वन, केस टू और केस थ्री, इन तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग। ओके। अब देखो जैसे मैं मान लो ए को जीरो की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ए 0.1 है, फिर 0.01 हुआ, 0.001 हुआ, 0.0001 हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए जो है किधर गया?
जीरो की तरफ गया, ऐसा कह सकते हैं? Yes, sir. अच्छा बी को मैंने ऐसा सोचा, देखो बी अगर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, कोई नंबर अगर इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, इसका ये मतलब नहीं कि उसने इन्फिनिटी से ही स्टार्ट किया होगा, वो क्या हो रहा होगा, वो बढ़ रहा होगा। जैसे मान लो वन है, टू है, थ्री है, फोर है, एंड सो ऑन। तो क्या मैं बी को ऐसा कह सकता हूँ क्या कि बी इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है और ए जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है? अब देखो सी क्या है, सी इज ए इंटू बी, इन दोनों का प्रोडक्ट लो, 0.1 इंटू वन 0.1, 0.01 इंटू टू 0.02, 0.001 इंटू थ्री 0.003, 0.0004। तो अब देखो सी को ऑब्जर्व करके तुम क्या कह सकते हो, सी किधर जा रहा है? जीरो की तरफ, जीरो की तरफ। तो क्या मैंने तुमको ये प्रूफ करके दिखा दिया क्या कि इस केस में जीरो अप्रोचिंग इनटू इनफिनिटी अप्रोचिंग जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है केस वन में? ठीक है, इनफिनिटी अप्रोचिंग का मतलब ये नहीं रहेगा ना कि बहुत बड़ी वैल्यू रहेगी हमेशा, क्या सर? इनफिनिटी अप्रोचिंग का मतलब ये नहीं रहेगा ना फिर कि बहुत बड़ी वैल्यू से स्टार्ट हो रही है? नहीं देखो ये तो बस मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया, मतलब अगर जैसे क्वेश्चन में अगर जैसे x टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी है तो तुमको ये मान के चलना है कि x बहुत बड़ा है, ठीक है? ये तो बस मैं तुमको कन्विंस करना चाह रहा हूँ कि जीरो अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग इनमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है? ये चीज तुमको एज सच आगे कहीं काम नहीं आने वाली, बस दिस इज फॉर द सेक ऑफ क्या कहते हैं तुमको सेटिस्फाई करने के लिए कि ऐसा हो रहा है। ओके अब केस टू देखो भाई, जैसे ये ए है, ये बी है और ये सी है। जैसे मान लो कि मैं फिर से ए को जीरो की तरफ लेके जाऊंगा, 0.1 0.01 0.001 एंड सो ऑन। बी को इन्फिनिटी की तरफ लेके जाऊंगा, लेकिन इस बार बी को इन्फिनिटी की तरफ ले जाने की रफ्तार बहुत तेज होगी मेरी से, ऐसे टाइप। तो देखो ए जीरो की तरफ गया, बी इन्फिनिटी की तरफ गया। अब इनका प्रोडक्ट देखते हैं, वन टेन टेन स्क्वायर एंड सो ऑन। इस बार इनका प्रोडक्ट किधर गया बताओ? इन्फिनिटी की तरफ। इस बार इनका प्रोडक्ट इन्फिनिटी की तरफ गया, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, सी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब इस एग्जांपल में मैंने दिखाया कि जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग इन्फिनिटी की तरफ। जा रहा है। अच्छा अब केस थ्री, केस थ्री में मैं क्या दिखाऊंगा तुमको? कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट टाइप का भी हो सकता है। जैसे मान लो 0.1 0.01 0.001 10 स्क्वायर 10 क्यूब। तो देखो देख के पता चल रहा है कि नहीं, ए जीरो की तरफ जा रहा है, बी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब इनका प्रोडक्ट हर बार क्या रहा है, 1 1 1 1 एंड सो ऑन। तो इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट आया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग कांस्टेंट हो गया। सो हम लोग ने फाइनली क्या देखा, फाइनली ये देखा कि जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है वो किसी भी नंबर की तरफ जा सकता है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो नंबर जीरो की तरफ जा रहा है वो किस रफ्तार से जीरो की तरफ जा रहा है, जो नंबर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है वो किस रफ्तार से इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। आया समझ में? यस सर। ओके सो फाइनली हम लोग ने यहां तक सीख लिया आज या अभी कि जीरो अप्रोचिंग इनटू इंफिनिटी अप्रोचिंग ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है।
ये क्या होता है, एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है. ठीक है. अच्छा बताओ जीरो अप्रोचिंग इनटू जीरो अप्रोचिंग क्या होगा, इनडिटर्मिनेंट होगा कि डिटर्मिनेंट होगा? डिटर्मिनेंट होगा. जीरो अप्रोचिंग इनटू जीरो अप्रोचिंग किधर जा रहा होगा? जीरो जीरो की तरफ ही जा रहा होगा. तो क्योंकि मैं बता पा रहा हूं कि वो किधर जा रहा है, इसलिए वो डिटर्मिनेंट फॉर्म है. ठीक है. अच्छा इस डिटर्मिनेंट का एक चैप्टर आता है डिटर्मिनेंट एलजेब्रा में, उससे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है. एक एलजेब्रा में हम लोग 12th में चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स, उससे इस डिटर्मिनेंट फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है आपस में. ठीक है. अच्छा ये बताओ बच्चों कि इन्फिनिटी अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग क्या होगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी अप्रोचिंग हो गया. मतलब क्योंकि मैं बता पाया कि ये किधर जा रहा है, मतलब ये भी कैसा फॉर्म हो गया? डिटरमिनेंट फॉर्म. डिटरमिनेंट फॉर्म. अच्छा ये बताओ जीरो इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग क्या होगा? जीरो. इनडिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट? चलो डिटरमिनेंट ही रहेगा. डिटरमिनेंट. देखो तुम ऐसे सोच सकते हो सर, इनडिटरमिनेंट. जैसे यहाँ पे एक ही जगह हर जगह जीरो 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 है. अब देखो ये बंदा इससे जब मल्टीप्लाई होता तो क्या था? जीरो. ये बंदा इससे जब मल्टीप्लाई कर ले जीरो आएगा ना एट द एंड, हमेशा जीरो आएगा एट द एंड, जीरो ही आएगा. तो क्या मैं बता पा रहा हूँ क्या कि क्या आंसर आना है? यस सर. यस सर. बता पा रहा हूँ मतलब कौन सा फॉर्म है? डिटरमिनेंट. डिटरमिनेंट. तो जीरो इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग इज अ डिटरमिनेंट फॉर्म. ठीक है. तो प्रोडक्ट में बस यही बंदा एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होता है प्रोडक्ट में, जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग. ठीक है. सबको यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? यस यस यस. आगे बढ़ा जाए अपन. लिख लिया सर. वो जीरो वाला एक और बार बताओ ना, जीरो लास्ट वाला, ये वाला थर्ड वाला. देखो हाँ सर, जीरो इनटू इनफिनिटी अप्रोचिंग. जीरो देखो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन जीरो एंड जीरो अप्रोचिंग. इनमें बहुत डिफरेंस होता है. जीरो अप्रोचिंग का क्या मतलब है? वेरी क्लोज टू जीरो बट नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है. और जीरो का क्या मतलब है? एग्जैक्टली जीरो. फाइन. तो समझ गया पूरा सर? जीरो अप्रोचिंग इनटू इनफिनिटी का क्या होगा? देखो इनफिनिटी, इनफिनिटी को ना हम लोग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं. इनफिनिटी को अगर ऐसे लिख भी रहे हैं इसका मतलब यही है. ठीक है. इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर. इन्फिनिटी एक नोटेशन होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि वो क्वांटिटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है. चलो सो ये एक्सप्लेन करना है क्या जीरो इंटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग वाला जिसको डाउट था? हेलो. देखो जीरो अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो है. तो देखो मैं अगर यहाँ पे एग्जैक्टली जीरो डाल दूं, अब प्रोडक्ट लूं ए इंटू बी, बार बार प्रोडक्ट लूं तो हमेशा जीरो 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 ही आएगा. तो क्या मैं बता पा रहा हूं कि नहीं कि क्या आंसर आना है? हाँ वो आंसर जीरो है. तो मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसलिए इसके सामने डिटर्मिनेंट लिख दिया. ठीक है. चलो भाई आगे बढ़ा जाए अपने. यस सर.
सो ये हम लोग ने a इंटू बी पढ़ा, वैसे दूसरा जो है a अपॉन b, ठीक है, पहले प्रोडक्ट वाला था, अब कौन सा है डिवीजन वाला। जैसे मान लो ये a है, ये b है, और c क्या है, a अपॉन b। अब जैसे मान लो a 6 की तरफ जा रहा है और b 2 की तरफ जा रहा है, तो c किधर जाएगा? तो ये सेकंड टाइप है ना? हाँ ये टाइप 2 है। c किधर जाएगा बच्चों? 3 की तरफ चला जाएगा। ओके, तो अच्छा ये बताओ कि अगर मैं पूछूं कि ये डिटरमिनेंट है कि इनडिटरमिनेंट है? डिटरमिनेंट वो नहीं, डिटरमिनेंट है, क्योंकि हम लोग बता पा रहे हैं किधर जा रहा है। अच्छा a 0 की तरफ जा रहा हो, b 3 की तरफ जा रहा हो, c किधर जाएगा? 0 की तरफ। अच्छा ये कौन सा फॉर्म है? डिटरमिनेंट, क्योंकि बता पा रहे हैं किधर जाएगा। अच्छा a 2 की तरफ जा रहा हो और b 0 की तरफ जा रहा हो, तो c किधर जाएगा? इनफिनिटी, इनफिनिटी की तरफ। क्या बता पा रहे हैं क्या किधर जा रहा है? यस सर। मतलब वो डिटरमिनेंट फॉर्म। अच्छा तो देखो, जैसे अगर किसी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो वो पूरे फ्रैक्शन को जीरो की तरफ ले जाएगा, और किसी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर जीरो की तरफ जा रहा है तो वो पूरे फ्रैक्शन को किधर ले जाएगा? इनफिनिटी की तरफ। अब a जीरो की तरफ जा रहा है और b भी जीरो की तरफ जा रहा है, तो c किधर जाएगा? जीरो की तरफ। बता नहीं सकते। देखो जैसे ये बंदा क्या कहेगा, ये कहेगा कि क्योंकि मैं न्यूमरेटर में हूं तो मैं पूरे फ्रैक्शन को जीरो की तरफ ले जाऊंगा। ये बंदा क्या कहेगा कि क्योंकि मैं डिनोमिनेटर में हूं इसलिए मैं पूरे फ्रैक्शन को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा। मतलब क्या हो गया, दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। नाउ सिंस बोथ ऑफ देम हैव कॉन्ट्राडिक्टेड, तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आई बात? सो जो हमारे पास सेकेंड इनडिटरमिनेंट फॉर्म आया वो कौन सा आया? जीरो अप्रोचिंग पोल अपॉन जीरो अप्रोचिंग। जीरो अप्रोचिंग होल अपॉन जीरो अप्रोचिंग, ये हमारा सेकेंड इंडिटरमिनेंट फॉर्म आया। इतना क्लियर है? यस सर। अच्छा अब जैसे ये बताओ बच्चों, जीरो अपॉन जीरो अप्रोचिंग ये क्या होता, इंडिटरमिनेंट की डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट होता। अच्छा अगर डिटरमिनेंट मैं बोल रहा हूँ, मैं क्लेम कर रहा हूँ कि ये डिटरमिनेंट होता, मतलब मैं ये भी क्लेम कर रहा हूँ कि इसकी वैल्यू मैं बता सकता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या होती? जीरो। जीरो होती, इसकी वैल्यू जीरो होती और ये डिटरमिनेंट फॉर्म होता, ठीक है। इनफैक्ट मतलब यहाँ पे मैं इक्वल टू भी लगा सकता हूँ, जीरो अपॉन जीरो अप्रोचिंग विल बी जीरो। अच्छा ये बताओ, जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो ये क्या होता? नॉट, हाँ ये जो है नॉट डिफाइंड होता। अब कुछ को लग रहा होगा कि सर नॉट डिफाइंड और इनडिटरमिनेंट आर बोथ ऑफ देम सेम और आर दे डिफरेंट, ठीक है। तो देखो इनडिटरमिनेंट और नॉट डिफाइंड के बीच में डिफरेंस बता रहा हूं। अच्छा डिफरेंस बता रहा हूं मतलब दोनों अलग अलग होंगे तभी डिफरेंस बता रहा हूं। तो इनडिटरमिनेंट क्या होता है? इनडिटरमिनेंट फॉर्म जो होता है
वी गेट एन आउटपुट, आउटपुट तो आता है बट आफ्टर सम क्या मैनिपुलेशन, बट आफ्टर सम मैनिपुलेशन. और नॉट डिफाइंड का क्या मतलब है कि नो आउटपुट एट ऑल. डिनोमिनेटर में जीरो होना तो पाप हो गया ना, डिनोमिनेटर में तो जीरो कभी डिजायर्ड ही नहीं होता, तो नॉट डिफाइंड में आउटपुट ही नहीं आता. और इनडिटर्मिनेंट का क्या मतलब होता है, आउटपुट तो आता है लेकिन कुछ मैनिपुलेशन वगैरह के बाद आता है. ठीक है, ओके. सो हम लोग का जो सेकेंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म था दैट वॉज जीरो अप्रोचिंग पोल अपॉन जीरो अप्रोचिंग. इतना लिख लिया सबने? इसको कोई आउटपुट ही नहीं है ना? हाँ, नो आउटपुट एट ऑल. नॉट डिफाइन में नो आउटपुट, इनडिटर्मिनेंट में आउटपुट आता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन करने के बाद. जो हमारे लिमिट्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो अपने लिमिट्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें तुम ऐसा समझो कि 90-95% क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें क्या होता है, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं 90-95%. और सबका कुछ ना कुछ आंसर आता ही है. लिमिट मतलब एक नंबर हो गया, कुछ वैल्यू हो गई. ओके, अब फिर से C इज इक्वल टू A अपॉन B लिखते हैं. तो A अपॉन B में हम लोग को एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म तो मिल गया. अब क्या होता है, जैसे मान लो ये बताओ कि ए अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और बी टू की तरफ जा रहा है और सी जो है ए अपॉन बी है, तो सी किधर जाएगा? इन्फिनिटी की तरफ. अच्छा ये बताओ कि ए अगर टू की तरफ जा रहा है और बी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो सी किधर जाएगा? जीरो की तरफ. जीरो की तरफ. तो ये दोनों फॉर्म्स कैसे हो गए, डिटरमिनेंट की इनडिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट. क्यों डिटरमिनेंट है? क्योंकि अपने वैल्यूज बता पा रहे हैं कि किधर जा रहा है. अच्छा मतलब तुम ऐसा सोचो कि अगर न्यूमरेटर में कोई चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो वो पूरे फ्रैक्शन को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगी, और अगर डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज इन्फिनिटी की तरफ जा रही है तो वो पूरे फ्रैक्शन को किधर ले जाएगी? जीरो. अब अपन ने ये लिख लिया इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग. ये क्या होता? इनडिटर्मिनेंट. वेरी गुड. ये जो होता अपना इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता. ठीक है, दिस विल बी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म फॉर अस. सो क्योंकि ये क्या कहता, ये कहता कि मैं पूरे फ्रैक्शन को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा. और ये क्या कहता, ये कहता बी जो कहता डिनोमिनेटर में वो कहता कि मैं पूरे फ्रैक्शन को जीरो की तरफ ले जाऊंगा. तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर गए. तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गए मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म. सो जो हमारे पास थर्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आया वो अपना क्या आया पता है? इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग. ठीक है, इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग. हम लोग ने कितने इंडिटर्मिनेंट फॉर्म देख लिए? सर इनके केसेस नहीं लेंगे हम लोग. नहीं नहीं उतने उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एक बार हम लोग ने लेके देख लिया. अब बाकी इतना करने जाएंगे तो फिर मेन टॉपिक पढ़ना रह जाएगा हमारा. मतलब सबके केसेस सेम ही रहेंगे? हाँ सबके केसेस वैसे ही रहेंगे. तुम अपने मन से अब लेके कर सकते हो, ए को इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ और बी को भी इन्फिनिटी की तरफ ले जाओ. मतलब क्या कहने का मतलब कि इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग
ये जरूरत पड़ने के जीरो की तरफ भी जा सकता है, ये जरूरत पड़ने पे इन्फिनिटी की तरफ भी जा सकता है, और ये जरूरत पड़ने पे कांस्टेंट भी दे सकता है। ठीक है, सो टोटल थ्री इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स अभी तक हम लोग ने देखे, उसमें से एक प्रोडक्ट वाला था, जीरो अप्रोचिंग इनटू इन्फिनिटी अप्रोचिंग, और दो डिवीजन वाले थे। अभी तक ये तीन टोटल देखे। फाइन, इतनी बात सबको समझ में आ गई? यस सर। स्क्रॉल अप कर दो नहीं। हाँ, स्क्रॉल अप कर देता हूँ। और डन सर। डन सर। अब देखो, सो अच्छा चौथा, अच्छा ये बताओ, चौथा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म डिस्कस करने से पहले, जीरो अप्रोचिंग अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग, ये इंडिटर्मिनेंट होता कि डिटर्मिनेंट होता? डिटर्मिनेंट। अच्छा, अगर डिटर्मिनेंट तुम क्लेम कर रहे हो तो ये बताओ कि ये किधर जा रहा होता? जीरो की तरफ जा रहा होता, मतलब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म होता। अच्छा ये बताओ, इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग? इन्फिनिटी अप्रोचिंग, मतलब कौन सा फॉर्म? डिटर्मिनेंट फॉर्म। वेरी गुड, ठीक है, ओके। अच्छा जीरो अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग? जीरो। यस एग्जैक्टली जीरो, और क्योंकि बता पा रहा हूं मतलब डिटर्मिनेंट फॉर्म। एंड इन्फिनिटी अप्रोचिंग अपॉन जीरो? नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब ये तो पाप हो गया, दिस इज नॉट डिफाइंड। समझ में आई बात? ओके, नाउ लेट्स सी द फोर्थ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, मतलब अब थर्ड केस लेंगे, c इज इक्वल टू a माइनस b। देखो हम लोग ने a इंटू b ले लिया, a अपॉन b ले लिया, अब a माइनस b की बात हो रही है। तो ये a है, ये b है, और ये से c है। जैसे मान लो कि a 4 की तरफ गया और b 2 की तरफ गया, तो c बताओ किधर जाएगा? 2 की तरफ। 2 की तरफ, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? डिटरमिनेंट। अच्छा a इन्फिनिटी की तरफ गया, b 3 की तरफ गया, c इन्फिनिटी की तरफ, मतलब ये कौन सा फॉर्म हो गया? डिटरमिनेंट। अच्छा बताओ a अगर से 4 की तरफ गया और b इन्फिनिटी की तरफ गया, तो c माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब ये भी कैसा हो गया? डिटरमिनेंट। तो अब अगर मैं सेकंड और थर्ड एग्जांपल जो है उसको देखूं, तो अगर जैसे मान लो इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस कुछ है, तो वो पूरे को इन्फिनिटी की तरफ ले जाता है, एंड समथिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग है, तो वो पूरे को किधर ले जाता है? माइनस इन्फिनिटी तरफ। अब देखो अगर ए भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो और बी भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, तो सी जीरो जीरो
इन्फिनिटी कोई एक नंबर है क्या? क्या क्या ऐसा है क्या कि ये और ये सेम रफ्तार से बढ़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं, नहीं। तो देखो ये क्या कहता, ये कहता क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए पूरे टर्म को इधर प्लस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा। ये क्या कहता कि क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए पूरे टर्म को माइनस इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। और क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गए इसलिए ये कौन सा फॉर्म हो गया हमारा? इनडिटर्मिनेंट फॉर्म हो गया। ठीक है, सो द फोर्थ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इज, स्पेलिंग गलत लिख दी, फोर्थ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो क्या है? इन्फिनिटी अप्रोचिंग माइनस इन्फिनिटी अप्रोचिंग। ठीक है, क्या हुआ तुम्हारा साउंड नहीं आ रहा? बहुत नहीं, तुम नहीं सुनाई दे रहा भाई, फिर से बोलो। हेलो, How is it fourth case? Why not third? नहीं, ये केस तो थर्ड है लेकिन चौथा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। देखो a इंटू बी में एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आता है, a अपॉन बी में दो आते हैं और a माइनस बी में एक आता है, तो केस तो तीन हुए लेकिन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चार हो गया। ठीक है, समझ में आया? चल ठीक है, ये क्या हो रहा है? हाँ, अब देखो, अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और तुमको पहचानना है कि वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई। अच्छा, वैसे अभी तीन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म और बाकी हैं। वो जो तीन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं वो a रेस टू b वाले फॉर्म होते हैं, उसको हम लोग ये चार फॉर्म का डिटेल डिस्कशन करने के बाद करेंगे, तीन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, क्योंकि टोटल सात इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होते हैं। सो आइडेंटिफाई सर। हाँ सर, इसमें जीरो अप्रोचिंग माइनस जीरो अप्रोचिंग टाइप का नहीं बनेगा? जीरो अप्रोचिंग माइनस जीरो अप्रोचिंग बताओ किधर जाएगा? मतलब दोनों साइड से तो जीरो की तरफ ही जा रहा होगा पर। हाँ, तो बस जा तो जीरो की तरफ ही रहा होगा ना। हम कभी, मैंने कभी ऐसा पूछा क्या तुमको क्वेश्चन में कि जैसे टू अप्रोचिंग इंटू थ्री अप्रोचिंग है तो वो सिक्स अप्रोचिंग की तरफ जा रहा है? कभी मैंने तुमसे ऐसा पूछा कि वो सिक्स किस तरफ से अप्रोच कर रहा है? सिक्स के बड़े से अप्रोच कर रहा है कि सिक्स के छोटे से अप्रोच कर रहा है? नहीं, नहीं पूछा। बस क्या पूछा कि डेस्टिनेशन क्या है? डेस्टिनेशन की बात हो रही है कि किस जगह जा रहा है। अच्छा, किस साइड से अप्रोच कर रहा है?
उसका सिग्निफिकेंस तब बढ़ जाता है जब हमारे क्वेश्चन में GIF या फ्रैक्शनल पार्ट या ये सब के क्वेश्चंस हो रहे हैं, तब वो सिक्स के बड़े से सिक्स की तरफ जा रहा है या सिक्स के छोटे से सिक्स की तरफ जा रहा है, वो फिर उस समय मैटर करता है। तो उसमें क्या होता है फिर वैसे टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग को LHL और RHL अलग अलग निकालना पड़ता है, जैसे हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था। ठीक है, आएंगे अभी उस पर भी आएंगे हम लोग। आइडेंटिफाई, सो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि आइडेंटिफाई इनडिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट फॉर्म, कि ये जो क्वेश्चन है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म का है। तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, सब लोग बताएंगे। बताओ ये क्वेश्चन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है ये डिटर्मिनेंट फॉर्म है? इनडिटर्मिनेंट। कैसे करना है पता है ना, देखो जैसे x वन की तरफ जा रहा है, देखो x अगर, देखो कभी भी एक बात याद रखो कि x अगर लिमिट के क्वेश्चन में x अगर a की तरफ जा रहा है, सो लिख लेते हैं नोट में एज अ नोट कि व्हेन एक्स टेंड्स टुवर्ड्स ए इन क्वेश्चंस ऑन लिमिट्स देन एक्स इज वेरी क्लोज टू ए बट नॉट इक्वल टू ए। समझ में आई बात? जब x a की तरफ जा रहा होता है, जैसे यहाँ पे x 1 की तरफ जा रहा है, तो x 1 के जितना करीब है, जितना करीब आना उतना तो आ सकता है, लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा। तो जैसे x tends towards 1, तो तुम पहले क्या सोचो कि x की वैल्यू 1 डाल दी, ऐसे x की वैल्यू 1 डालना अलाउड नहीं है, लेकिन बस फॉर्म पहचानने के लिए x की वैल्यू 1 डाल दी, तो 1 माइनस 3 प्लस 2 मतलब 0, और क्योंकि x 1 की तरफ जा रहा था इसलिए न्यूमरेटर किधर जाएगा, 0 की तरफ, 0 की तरफ। वैसे डिनोमिनेटर 1 माइनस 1, अब 1 माइनस 1 तो 0 कब होता, जब x की वैल्यू एग्जैक्टली 1 डाल रहे होते, लेकिन x तो 1 के करीब है ना, तो ये क्या होता, 0 की तरफ। इतनी बात क्या सबको समझ में आई? किसी को इसमें डाउट है तो प्लीज पूछ लो बच्चों। एनीवन हैविंग एकदम छोटा सा भी डाउट? अभी अभी आपने जो वापस एक बार समझा सकते हो, जो भी आपने वो वन डाल के किया था? देखो वैसे तो प्रॉपर वे से क्या करना चाहिए हम लोग को, ऐसे करना चाहिए कि x 1 की तरफ जा रहा है मतलब 1 अप्रोचिंग माइनस 3 इंटू 1 अप्रोचिंग प्लस 2 मतलब 1 अप्रोचिंग माइनस 3 अप्रोचिंग प्लस 2। अब जैसे मान लो 1 अप्रोचिंग प्लस 2 क्या होता, 3 अप्रोचिंग माइनस 3 अप्रोचिंग, तो ये क्या हो जाता एक तरीके से 0 अप्रोचिंग हो जाता। ऐसा नहीं कि ये और ये इक्वल है, ठीक है। तो अब इतना करने के बजाय मैं क्या करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है भाई, x की वैल्यू में 1 डाल देता हूँ, तो 1 डालने पे क्या होता 1 माइनस 3 प्लस 2 मतलब ये 0 बनता, लेकिन x क्योंकि 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये वाली चीज 0 की तरफ अप्रोच करेगी। सेम वी कैन से फॉर द डिनोमिनेटर आल्सो। आया समझ में? यस सर। ओके, तो अब देखो ये फॉर्म कौन सा हो गया, 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग, क्योंकि ये जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ये क्वेश्चन हमारा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का हो गया।
और एक बार ध्यान रखो कि लिमिट्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें 90 से 95% क्वेश्चंस कैसे फॉर्म के होंगे, इनडिटर्मिनेट फॉर्म के ही होंगे। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुमको यह क्वेश्चन दिख जाए ऐसे टाइप का, एक आप क्वेश्चन सेम टू सेम। फाइन, अच्छा सेकंड एग्जांपल से, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 x स्क्वायर प्लस 1 इनटू 3x प्लस 4, बताओ ये कैसा फॉर्म होगा? डिटरमिनेंट की इनडिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट होगा, क्योंकि देखो एक्स स्क्वायर मतलब 4 प्लस 1 5 अप्रोचिंग इनटू 10 अप्रोचिंग, 5 अप्रोचिंग इनटू 10 अप्रोचिंग, ये तो एक डिटरमिनेंट फॉर्म ही होता है। अच्छा डिटरमिनेंट फॉर्म का आंसर हम लोग तुरंत निकाल सकते हैं क्या? 5 अप्रोचिंग इनटू 10 अप्रोचिंग क्या होगा? 50 अप्रोचिंग, मतलब ये वाला नंबर किस फिक्स नंबर की तरफ जा रहा है, उसका डेस्टिनेशन क्या है? 50 है। तो इसमें लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 50। आया समझ में? तो जो डिटरमिनेंट फॉर्म होता है उसमें लिमिट की वैल्यू निकालना बहुत आसान होता है। उसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है? बस जो x जिस नंबर की तरफ जा रहा होता है उसी नंबर को हम लोग को पुट कर देना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दिया, x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 पुट की तो 4 प्लस 1 इंटू 6 प्लस 4 5 इंटू 10 50। ठीक है, तो बताओ x की डायरेक्ट वैल्यू कब पुट कर सकते हैं हम लोग क्वेश्चन में? डिटरमिनेंट फॉर्म। हाँ, जब फॉर्म डिटरमिनेंट फॉर्म का हो। तो इसीलिए तो मैं तुमको पहले बता रहा हूँ कि हम लोग को पहला काम ये पहचानना है कि हमारा क्वेश्चन डिटरमिनेंट फॉर्म का है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सर तो इनडिटरमिनेंट फॉर्म के लिए हम ये भी बोल सकते ना कि लिमिट डजंट एग्जिस्ट? नहीं नहीं, मैंने क्या बोला था, अगर तुम स्टार्टिंग में देखो, मैं एकदम फर्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, देखो इनडिटरमिनेंट फॉर्म में क्या होता था, अ फॉर्म इन विच वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड बट आफ्टर सम मैन्युपुलेशन या कैलकुलेशन। ठीक है, वैल्यू आएगी कुछ कैलकुलेशन के बाद। डिटरमिनेंट फॉर्म का क्या लिखा था? अ फॉर्म इन विच वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजिली। देखो यहाँ पे हम लोग ने वैल्यू बस एक्स की वैल्यू पुट करके ही निकाल दी, क्यों? क्योंकि वो एक डिटरमिनेंट फॉर्म था। तो अब जैसे इनडिटरमिनेंट फॉर्म की वैल्यू निकालनी होती है अगर मेरे को, तो हम लोग कैसे निकालते हैं? जैसे मान लो कि क्वेश्चन, वही वाला क्वेश्चन उठा लूं मैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है कि डिटरमिनेंट फॉर्म? इनडिटरमिनेंट है। कौन सा इनडिटरमिनेंट है? जीरो अप्रोचिंग अपॉन जीरो अप्रोचिंग। समझ में आ रहा है सबको? तो अब देखो जैसे एक्स स्क्वायर माइनस वन को फैक्टराइज किया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू को अच्छा एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कैंसिल हो गए। अब कैंसिल होने के बाद अब देखो जरा ये कौन सा फॉर्म बना, ये वाला डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिमिट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट एक्स की वैल्यू वन सब्सटीट्यूट करके। इसका आंसर क्या हो जाता? वन प्लस वन होल अपॉन वन माइनस टू, मतलब माइनस टू।
ठीक है, समझा ये सबने? हाँ ओके। अब देखो, सो हम लोग ने ये सब सीख लिया। अच्छा जैसे ये बताओ फिफ्थ वाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड जीरो साइन एक्स होल अपॉन एक्स, इनडिटर्मिनेंट या डिटर्मिनेंट? इनडिटर्मिनेंट। इनडिटर्मिनेंट क्योंकि जब एक्स जीरो की तरफ जाता है तो साइन भी जीरो की तरफ जाता है और ये भी जीरो की तरफ जाता है, ठीक है? तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो इसकी लिमिट कुछ आती होगी कि नहीं आती होगी? आती है सर। आती है कुछ कैलकुलेशन करने के बाद। अब जो यहां पे कैलकुलेशन कर रहे थे वैसा कैलकुलेशन यहां पे अभी नहीं चलेगा। यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक एक चीज लगानी पड़ेगी जो हम लोग अभी आगे सीखेंगे। इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे ना, x sin x upon x is equal to 1 वाली। sin x upon x is equal to 1 it is when x is very close to 0। तो व्हाट वी वर डिस्कसिंग नाउ, तो इसकी भी लिमिट एग्जिस्ट करती है। इसकी लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x upon x दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये होता है। ये कहां से आता है इसका प्रूफ अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेटर ऑन इसी चैप्टर में देखेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चीज को हम लोग कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट, या इस चीज को हम लोग स्टैंडर्ड लिमिट भी कहते हैं। इस चीज को वी आल्सो से स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट्स में ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आती है, फिर उसके बाद लॉगरिथमिक लिमिट्स आती है, फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट्स आती है। तो वो सारी चीजें सीखी जाएगी। तो इसका प्रूफ हम लोगों ने डिस्कस किया क्या कि इसकी वैल्यू 1 कहां से आई? नहीं नहीं, बस ये बताया कि लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड 0 sin x / x 1 होता है, और इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट। अब देखो अच्छा, जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं और लू, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड 0 प्लस साइन ऑफ जी आई एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एक्स, ठीक है? ये बताना है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि डिटर्मिनेंट फॉर्म है। डिटर्मिनेंट फॉर्म। डिटर्मिनेंट सोचो, अच्छा नहीं सर, इनडिटर्मिनेंट ही। इनडिटर्मिनेंट है? हाँ सर। और कोई आंसर बच्चों? इनडिटर्मिनेंट। Indeterminate? अच्छा चलो देखते हैं। x देखो जीरो प्लस है। जीरो प्लस का क्या मतलब है कि x जीरो से थोड़ा सा बड़ा है और जीरो की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो तुम ऐसे सोचो कि x जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा है ना और जीरो की तरफ जा रहा है, तो साइन को जो इनपुट मिलता वो कैसा मिलता? जी आई एफ ऑफ जीरो प्लस, और डिनोमिनेटर में क्या होता? जीरो प्लस। इस बात से अग्री करोगे आप लोग? अच्छा जी आई एफ ऑफ जीरो प्लस क्या होता है? जीरो।
एग्जैक्टली जीरो. अच्छा साइन एग्जैक्टली जीरो क्या होता है बताओ. जीरो. अच्छा जीरो अपॉन जीरो प्लस क्या होता है. डिटरमिनेंट. हाँ डिटरमिनेंट होता है. और इसकी इसकी वैल्यू क्या आएगी. जीरो. जीरो. ठीक है तो ये जो फॉर्म है ये इनडिटरमिनेंट नहीं है ये डिटरमिनेंट फॉर्म है. ये कैसे टाइप की चीज बन रही है. जीरो होल अपॉन जीरो प्लस. ठीक है ये समझा सबने. हाँ सर. हाँ सर. ओके तो इस लिमिट की वैल्यू क्या होगी. इस लिमिट की वैल्यू हमारी जीरो आ गई. ये इसी में इंक्लूड कर लेते हैं. अच्छा अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक. सो थोड़ा तुम लोग को आइडिया लगा इनडिटरमिनेंट फॉर्म डिटरमिनेंट फॉर्म के क्वेश्चंस कैसे दिख रहे होंगे. यस सर. ओके अब नेक्स्ट टॉपिक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है. इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ. What? With the help of graph. अच्छा ये वाली चीज जो है वो हमने लास्ट क्लास में भी थोड़ी सी बताई थी. बस टॉपिक का नाम नहीं लिया था लेकिन बताई जरूर थी. अभी मैं तुमको एक एग्जाम्पल बताऊंगा तुमको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हाँ सर ये तो बताए थे. अब क्योंकि कुछ क्वेश्चन दिखे थे हम लोगों ने. जैसे मान लो कि ये हमारा ग्राफ है. किसका ग्राफ है. एफ एक्स का ग्राफ है. और से इधर तुम्हारा जो है वाई एक्सिस है. इसकी वैल्यू टू है और इसकी वैल्यू क्या है थ्री है. और ये ए है. ये ग्राफ किसका है. एफ एक्स का. अब इस ग्राफ को देख के तुमको इवैल्यूएट करना है. क्या क्या इवैल्यूएट करना है. लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए. राइट हैंड लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए. लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए. एंड एफ ऑफ ए. ठीक है तो देखो ऐसा करवाया था क्या मैंने लास्ट क्लास में कुछ. देखो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि x a से छोटा होगा और a की तरफ जा रहा होगा. मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा हो रहा होगा. ऐसा हो रहा होगा. तो उस ग्राफ का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसा हो रहा होगा. ऐसे जा रहा होगा. तो y कोऑर्डिनेट किस नंबर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा. टू की तरफ. तो जिस नंबर की तरफ फंक्शन की वैल्यू अप्रोच करती है वही नंबर तो लिमिट होता है. हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाता. टू. अच्छा बताओ राइट हैंड लिमिट क्या होता हमारा. थ्री. थ्री होता. देखो एक्स ए के बड़े से ए की तरफ जा रहा है. उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ क्या होता. ये होता. तो उसके करस्पॉन्डिंग ऐसे वाई कोऑर्डिनेट जा रहा होता. तो वाई कोऑर्डिनेट किस नंबर की तरफ जा रहा होता. थ्री की तरफ. तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाता. अच्छा लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए क्या होता. What will does be not exist. हाँ, does not exist. क्यों? Question repeat करो. Question repeat करो पूरा. देखो हम लोग को क्या ये ग्राफ दिया हुआ है.
और हम लोग को लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू है, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू है, एंड द लिमिट एट x इज इक्वल टू है निकालना है। और वैसे तो f of a भी निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या मतलब है कि हमारा x a से छोटा होता और a की तरफ जा रहा होता, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होता वो ऐसा होता, और इस ग्राफ का जो y कोऑर्डिनेट होता वो ऐसा जा रहा होता। तो y कोऑर्डिनेट किस नंबर की तरफ जा रहा होता, टू की तरफ जा रहा होता। तो मैं लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिख लेता, टू। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट की अगर बात करें अपन, तो x a के बड़े से की तरफ जा रहा होता तो ग्राफ ऐसे हो रहा होता, तो ग्राफ ऐसे हो रहा होता तो फंक्शन की वैल्यू थ्री की तरफ जा रही, तो किस नंबर की तरफ जा रही होती, थ्री की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, थ्री। अब लिमिट, लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू है, उसके लिए हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट देखते थे, अगर दोनों इक्वल आ जाते थे तो लिमिट उन्हीं के बराबर होती थी, और दोनों इक्वल नहीं होते थे तो डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा एफ ऑफ ए, अच्छा यहाँ पे मैंने एक पॉइंट दे के रखा है ये डार्क करके, एफ ऑफ ए मतलब एक्स इज इक्वल टू ए पे वाई की वैल्यू क्या है, x is equal to a पे y की वैल्यू ये है 3। ठीक है, ये आया समझ में? अब जैसे मान लो कि हम लोग से पूछा जाए लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 4 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। तो अच्छा क्या हम लोग को फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ पता रहता है क्या? पता रहता है, जैसे से ऐसे टाइप का ग्राफ होता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये ऐसे। अब देखो x 4 प्लस है, मतलब 4 से थोड़ा सा बड़ा है और 4 की तरफ जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ कैसा होता, ऐसा होता। तो उसके करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट कैसा जा रहा होता, ऐसा जा रहा होता। तो y कोऑर्डिनेट किस नंबर की तरफ जा रहा था, किस y की वैल्यू की तरफ जा रहा था, 0 की तरफ। तुम्हारा आंसर क्या जाता, 0। या तो तुम ग्राफ से कर सकते हो, या तुम दूसरा तरीका ऐसे सोचो कि 4 प्लस का क्या मतलब है, 4.00001 ऐसे टाइप का नंबर हो रहा होगा। अच्छा 4.00001 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0.00001 ऐसा होगा। तो ये वाला नंबर, ये वाली चीज जो है वो किस नंबर की तरफ जा रही है बताओ, जीरो, जीरो की तरफ। तो जिस नंबर की तरफ जाती है वही हमारा लिमिट होता है, समझे? आया समझ में सबको? यस सर। ओके, तो दोनों तरीके से हम लोग कर सकते थे। जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं लूं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स पाई बाय 4 प्लस जीआईएफ ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। ठीक है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था हम लोगों ने, लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 4 प्लस जीआईएफ ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स।
क्या आंसर होगा? हाँ माइनस वन यस। देखो 40, अगर तुम साइन एक्स और कॉस एक्स का ग्राफ देखो तो जैसे मान लो ये साइन एक्स का ग्राफ होता है और ये कॉस एक्स का ग्राफ होता है और ये लोग पता है कहाँ पे मीट करते हैं? पाई बाय फोर पे। अब एक्स अगर पाई बाय फोर एग्जैक्टली होता तो साइन और कॉस तो इक्वल होते, लेकिन एक्स अगर पाई बाय फोर से थोड़ा सा बड़ा होता तो क्या होता कि कॉस थोड़ा सा छोटा होता और साइन बड़ा होता। तो कॉस माइनस साइन जो है वो माइनस 0.01 टाइप की चीज आ जाती। समझ में आ रहा है सबको? एंड माइनस 0.01 का जी आई एफ जो है वो क्या होता हमारा? माइनस। ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करो, फिर से बताऊं। देखो एक्स हमारा पाई बाय फोर प्लस है, मतलब 45। ये जो ग्राफ है ना ये साइन का ग्राफ है, ये जो ग्राफ है वो कॉस का ग्राफ है। तो 45 डिग्री पे साइन और कॉस इक्वल होता है। देखो ना साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2। जब एक्स 45 डिग्री से ज्यादा होता है तो साइन जो होता है वो कॉस से छोटा हो जाता है, एक्स 45.1 डिग्री पे। समझ लो उल्टा लिख दिया, साइन जो है वो कॉस से बड़ा हो जाता है। तो कॉस माइनस साइन मतलब एक तरीके से जीरो के तो बहुत आसपास होते हैं लेकिन नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए कॉस माइनस साइन क्या हो जाता है? माइनस 0.01 का जी आई एस जो कि माइनस वन। समझे? हाँ सर। ओके। अच्छा जैसे मान लो मेरे को क्वेश्चन होता लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2+ जी आई एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 2+ GIF of x square minus 2x। वन नहीं, जीरो 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 आएगा, जीरो आएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स के अगर तुम ग्राफ की बात करो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का, ये जीरो होता और यहाँ पे टू होता। अग्री करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स का ग्राफ ऐसा होता, इसके रूट जीरो और टू होते हैं। अब x 2+ है मतलब
ये कैसा आउटपुट दे रहा होगा, ये थोड़ा सा जीरो प्लस टाइप का आउटपुट दे रहा होगा, मतलब जीआईएफ के अंदर कैसा है होता, जीरो प्लस होता, और जीआईएफ के अंदर अगर जीरो प्लस होता तो वो आउटपुट क्या देता, जीरो देता। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये सब समझ में आया? यस सर। अब देखो, सो इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक आगे का, ऑफ डिटरमिनेंट फॉर्म, डिटरमिनेंट फॉर्म की लिमिट्स इवैल्यूएट करना। तो बताओ, डिटरमिनेंट फॉर्म अगर है तो उसकी लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे हम लोग? x की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू। हाँ, पुट वैल्यू ऑफ x एज a इन द गिवन फंक्शन। अच्छा, अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में इफ क्वेश्चन इन्वॉल्व्स जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉड, सिग्नम या वन बाय एक्स, देन वी नीड टू इवैल्यूएट LHL and RHL separately, ठीक है? जैसे अगर तुम देखो तो हम लोग यही कर रहे हैं ना, अगर GIF का क्वेश्चन में GIF है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो हम लोग LHL, RHL ये सब अलग अलग निकालते हैं। ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? डिटरमिनेंट फॉर्म की लिमिट निकालना बहुत आसान है, अगर जीआईएफ वगैरह नहीं है, सिंपल सा फंक्शन है, तो एक्स की वैल्यू ए डाल देना, और अगर जीआईएफ वगैरह है तो ए प्लस और ए माइनस पे निकालना और उनको कंपेयर करना। अच्छा, इवैल्यूएशन ऑफ लिमिट्स ऑफ इनडिटरमिनेंट फॉर्म, बताओ इनडिटरमिनेंट फॉर्म की लिमिट कैसे इवैल्यूएट करेंगे? हाँ, सो पहले तो क्या करेंगे कि फर्स्ट कन्वर्ट इनडिटरमिनेंट फॉर्म इनटू अ डिटरमिनेंट फॉर्म। पहले क्या करना है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म को एक डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन या रैशनलाइजेशन या स्टैंडर्ड लिमिट्स। ठीक है, अच्छा, फैक्टराइजेशन एंड रैशनलाइजेशन इसको हम लोग बेसिक टेक्निक्स कहते हैं, और स्टैंडर्ड लिमिट्स में क्या क्या आता है? स्टैंडर्ड लिमिट्स जैसे मैंने बताया था ना, जैसे साइन एक्स बाय एक्स था, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स आती है, लॉगरिथमिक लिमिट्स आती है, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स आती है। So, इसको हम लोग देखेंगे, बाद में देखेंगे थोड़ी देर बाद स्टैंडर्ड लिमिट्स के अंदर। तो पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करो यूजिंग फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन या स्टैंडर्ड लिमिट्स। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, वंस अ डिटरमिनेंट फॉर्म इज ऑब्टेन्ड, वंस अ डिटरमिनेंट फॉर्म इज ऑब्टेन्ड
देन उसके बाद क्या करेंगे, देन यूज द मेथड एक्सप्लेन्ड अबव, यूज द मेथड एक्सप्लेन्ड अबव। अबव एक्सप्लेन्ड अबव का क्या मतलब है कि जैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में हम लोग लिमिट की वैल्यू, ये बात ठीक है। इतना लिख लिया सबने, इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़े हम लोग। हाँ सर। चल देखो सो जैसे फैक्टराइजेशन का तो क्वेश्चन x square minus 3x plus 2 whole upon, hello अभी आ रही है? hello yes yeah, sir आ रही है आवाज। चलो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है okay, तो सबसे पहला काम तो क्या करना होता है लिमिट्स के क्वेश्चन में? फॉर्म डिसाइड करना। देखो x की वैल्यू अगर तुम 1 पुट करो तो 1 माइनस 3 प्लस 2 0, मतलब क्योंकि x 1 की तरफ जा रहा है इसलिए 0 अप्रोचिंग। नीचे 2 माइनस 2 मतलब 0 अप्रोचिंग। ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब देखो एक एग्जांपल से हमको ये तो समझ में आया कि ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल करना होगा। अब क्या कैंसिल करना होगा उसको पता करने के लिए तुम ऐसे सोचो, x 1 की तरफ जा रहा है तो इस 1 को इधर लेके आ जाओ, मतलब x माइनस 1 0 की तरफ जा रहा है, तो जो क्वांटिटी 0 की तरफ जाती है ना वही जनरली ऊपर और नीचे कैंसिल हो रही होती है। सो अभी मेरा एम क्या होगा, अभी मेरा एम होगा कि मैं x माइनस 1 ऊपर और नीचे जनरेट कर दूं। अच्छा ऊपर जो है x माइनस 1 तो जनरेट होता हुआ दिख रहा है, फैक्टराइज डायरेक्टली, टेंशन किसकी है, नीचे की। अब नीचे हम लोग ने क्या किया, नीचे क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। तो रैशनलाइज करते हैं तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तभी तो उस टर्म की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब देखो इन दोनों को अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 3 माइनस 4 मतलब x माइनस 1 बन जाएगा। न्यूमरेटर में x माइनस 1 है, x माइनस 2 है एंड रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस 2 है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 1। इतना क्लियर है? अब देखो क्या x माइनस 1 कैंसिल हो गया, जैसे ही कैंसिल हो गया, हम लोग यही कह रहे थे ना कि x माइनस 1 को कैंसिल होना चाहिए था, तो x माइनस 1 कैंसिल हो गया। और जैसे ही कैंसिल हो गया ये क्वेश्चन अब जो बचा हुआ है वो किसमें कन्वर्ट हो गया होगा, डिटरमिनेंट फॉर्म। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो हम लोग आंसर कैसे निकालते हैं, अब x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। So, -4
माइनस फोर आ गया हमारा आंसर। ठीक है ये समझ में आया सबको? यस यस। इसमें किसी को डाउट? सर लिमिट x टेंड्स टू 1 को x माइनस 1 टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, मैंने पहले स्टेप में किया। हाँ ये तो मैंने वो हिंट लगाने के लिए किया कि भाई कौन सा टर्म हमको कैंसिल करना है वो पता करने के लिए। सर ये हर केस में, मतलब हम लोग को कौन सा टर्म? हाँ हमेशा केस में होगा। हाँ हाँ हमेशा कि कौन सा टर्म हमको कैंसिल करना है इसकी हिंट तो मिले कम से कम मेरे को, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके चलो आगे करें। एक क्वेश्चन अब तुम लोग करो। लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड्स 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस 2 चलो ऊपर और नीचे क्या जनरेट करना है? x माइनस 3। हाँ x माइनस 3 करो जनरेट। इस बार तो ना ऊपर डायरेक्टली हो रहा है ना नीचे डायरेक्टली दिख रहा है। सर 3/2 आ रहा। 3/2 हाँ ठीक है। हाँ सर 3/2। हाँ सर 3/2। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? दोनों को रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखो इसका रैशनलाइजेशन रूट ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस 3 रूट ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस 3। अच्छा इसका रैशनलाइजेशन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हर जगह ना एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 3 ऐसे बन जाते हैं। ठीक है अब बनने के बाद कौन बचा ऊपर? रूट ऑफ एक्स प्लस 6 प्लस 3 और नीचे जो है रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस 2 लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स 3। देखो x माइनस 3 और x माइनस 3 कैंसिल हो गए और जैसे ही कैंसिल हो गए अब x की वैल्यू 3 पुट कर दी हम लोगों ने, तो 3 प्लस 3 6 होल अपॉन 2 प्लस 2 4। सो आंसर विल बी व्हाट? 3/2।
ठीक है, ये आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। प्रियांश तुमको आया? यस सर। ओके चलो अब थोड़ी देर क्विज खेलते हैं अपने। एक डिवाइस लेके आओ, सेकंड डिवाइस लेके आओ। So, अभी तक जो पढ़ा उतना क्लियर है? हम लोग जो क्विज खोलेंगे वो लिमिट्स पे ही खेलेंगे। सर अभी क्विज चलेगा क्या? हाँ अभी आधा घंटा क्विज चलेगा। ओके सर, सर वही काहूत पे ही? हाँ काहूत पे, काहूत पे। ओके सर। सर आप गेम पिन व्हाट्सएप पे भेजे हो या इसके चैट पे? हाँ सर आप गेम पिन चैट पे भेजे हो या व्हाट्सएप पे? मैं स्क्रीन शेयर करूंगा। ओके सर। लिमिट्स पे है ना क्विज? हाँ लिमिट्स का है। अभी जो पढ़ा है ना लास्ट क्लास और अभी तक। हाँ अगर तुम लैपटॉप से करो तो दो डिवाइस नहीं लगेंगे। सर यही गेम पिन? हाँ गेम पिन ये है।
चलो जल्दी जल्दी लॉग इन करो सब लोग। चलो स्टार्ट करते हम लोग। हेलो तो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस जीआईएफ ऑफ एक्स माइनस 2 मतलब एक्स 2 से थोड़ा सा बड़ा है मतलब 2.01 टाइप का तो जीआईएफ ऑफ 0.01 मतलब क्या आ जाएगा 0 तो पहले का आंसर सी है ओके आगे बढ़ें। ये जो है मैंने क्विज तुम्हारे पहले वाले क्लास में भी खिलवाया था, इससे पहले क्लास है उनको भी खिलवाया था, तो इसमें इसका जो है आदित्य जिंदल बाकी तुम लोग चार लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चाहें बच्चों। यस सर।
चलो सो देखो इसको करते हैं जिसका रॉन्ग हुआ. लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स एन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स एन प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस टू. यहाँ पे एन कुछ भी नेचुरल नंबर है. जैसे मान लो मैं लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स फोर प्लस निकालता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स माइनस टू. इसका क्या मतलब होता कि एक्स फोर से थोड़ा सा बड़ा होता, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4.001 माइनस टू, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.001. तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता? तो ये किस नंबर की तरफ जा रहा है? जीरो की तरफ जा रहा है. तो लिमिट की वैल्यू क्या हो जाती? जीरो हो जाती. समझ में आया जिसका भी रॉन्ग हुआ? बोलो बच्चों. यस सर. हेलो. ओके, तो थोड़ा यस नो रेस्पॉन्ड तो करो. हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फिर. अभी स्कोर कार्ड क्या है? ये अनोनिमस कौन है? सर वंश. क्या नाम है? वंश. अच्छा ठीक. आगे Thank you.
सर मेरा टाइमर 47 सेकंड्स पे हैंग हो गया है। अच्छा तुम आंसर तो क्लिक कर दो। सर वो आंसर क्लिक नहीं हो रहा है, मतलब वो हैंग हो गया पूरा। सर और किसी का भी हैंग हुआ? नहीं सर। थैंक्स। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है, इस बार थोड़ा सा डिफरेंट है। x टेंडिंग टुवर्ड्स n माइनस है, तो जैसे मैं टुवर्ड्स 4 माइनस निकालता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस 2, 4 माइनस मतलब 3.99, मतलब एक तरीके से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1.99, मतलब एक तरीके से 0.999 आता। तो ये एक तरीके से किस नंबर की तरफ जा रहा होता? 1 की तरफ जा रहा होता। तो हमारी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती? 1 आ जाती। वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी 1। ठीक है, सबको आ गया समझ में? यस। जिसका रॉन्ग हुआ या जिसको नहीं आया था उनको क्लियर है? यस सर। ओके चलो भाई, तुम लोग के बैच में बस अभी दो ही लोग हैं, दिव्यांश और साक्षीदीप, ये तीन जो है इससे पहले बैच वाले थे। मल्टी सेलेक्ट है, मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट।
फिर इसमें अगर एक रॉन्ग और एक राइट होगा तो फिर मिलेगा क्या? नहीं तब नहीं मिलेगा शायद। ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस की जब बात होगी तो हम लोग ये जो सेकंड वाला है उसको यूज करेंगे। तो उसमें जब एक्स की वैल्यू वन डालोगे तो थ्री आएगा, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर बी वाला कह रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट, पॉसिबल ही नहीं। फिर थ्री प्लस की बात हो रही है, तो जब तुम एक्स की वैल्यू थ्री प्लस डालते तो यहाँ पे नाइन प्लस फाइव फोर्टीन बन जाता जो कि इलेवन के बराबर नहीं है, तो सी नहीं हो सकता। अब डी ऑप्शन में देखो इधर जो है वो आ रहा है, आ रहा है। और इधर अगर हम एक्स की वैल्यू थ्री डालते लेफ्ट हैंड लिमिट में तो वो इलेवन आती, एक साइड से इलेवन और एक साइड से फोर्टीन, तो डज नॉट एग्जिस्ट। इसलिए ए और डी ऑप्शन करेक्ट है। समझे? यस सर। ओके, ये कौन है? एडी कौन है? एडी 015। अव्यक्त मल्टी सर मोगर ऑप्शन करेक्ट।
ओके सो देखो इसमें क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टूवर्ड जीरो ई रेज टू वन बाय एक्स माइनस होल अपॉन ई रेज बाय एक्स। अब भी जैसे वन टाइप की चीज है और एक्स जीरो की तरफ जा रहा हूं तो हम लोग को ना एल एच एल एंड आवाज कट रही है, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हेलो हेलो अभी ठीक है? यस सर अभी ठीक है। ओके तो कभी भी जैसे वन बाय एक्स टाइप की चीज हो और एक्स जीरो की तरफ जा रहा हो, मतलब एक तरीके से वन अपॉन जीरो टाइप की चीज हो, वन अपॉन जीरो अप्रोच टाइप की चीज, तो हम लोग को एल एच एल एंड आर एच एल अलग अलग निकालना चाहिए। अब देखो अगर मैं एल एच एल की बात करता तो वन अपॉन जीरो माइनस मतलब माइनस इन्फिनिटी टाइप, तो ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी माइनस वन होल अपॉन ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी प्लस वन, और ई रेस टू माइनस इन्फिनिटी खुद जो होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर। सो जीरो माइनस वन होल अपॉन जीरो विच इज माइनस वन। अच्छा अगर मैं आर एच एल की बात करूं तो वो प्लस इन्फिनिटी टाइप का होगा, तो ई रेज टू वन बाय एक्स माइनस वन होल अपॉन ई रेज टू वन बाय एक्स प्लस वन। अब देखो ये लोग प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो इनके आगे ये माइनस वन और प्लस वन टिकेंगे ही नहीं कोई, मतलब तुम ऐसे सोचो कि नाइन अपॉन वन जीरो 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 वन, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, ये अप्रोक्सीमेटली वन के ही बराबर होगा। तो राइट हैंड लिमिट क्या आ गई, वन, लेफ्ट हैंड लिमिट इज माइनस वन एंड राइट हैंड लिमिट इज वन। तो क्योंकि एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल therefore limit does not exist। तो इसमें देखो एल एच एल माइनस वन टिक कर दिया, आर एच एल वन टिक कर दिया, अब क्योंकि ये लोग इक्वल नहीं है इसलिए सी वाला ऑप्शन भी सही हो गया, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर एक और बार सोल्यूशन दिखाओगे? देखो हो गया सर, चलो नेक्स्ट। मल्टी करेक्ट फिर से
चल सो इसको करते हैं टाइम सो ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सही किया है. देखो x पाई बाय 4 लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स पाई बाय 4 तो जब मैं LHL निकालने जाता तो मतलब x जो है वो 44 डिग्री टाइप का होता तो tan x जो है वो 0.9 टाइप का होता तो 0.9 प्लस 3 मतलब 3.9 उसका GIF 3 आ जाता तो ए ऑप्शन सही है. बी ऑप्शन में x 45 से थोड़ा सा बड़ा होता 45 डिग्री तो tan x जो है वो 1 से थोड़ा सा बड़ा होता तो GIF के अंदर 4.0 बना जाता 4 आ जाता. और ए और बी इक्वल नहीं है इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा. ओके चलो अब देखो इस क्वेश्चन में साइन 1 बाय एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड 0 साइन 1 बाय एक्स. अब देखो अगर एक्स 0 की तरफ जा रहा होता है 1 बाय एक्स इधर जाएगा. अच्छा अगर साइन का इनपुट इन्फिनिटी की तरफ जाता है
तो साइन अपना आउटपुट होता है क्या करता है, प्लस वन से माइनस वन के बीच में ऑसिलेट करता है। साइन का इनपुट अगर इन्फिनिटी की तरफ जाता है, कभी प्लस वन हुआ, फिर घट के फिर माइनस वन हुआ, फिर बढ़ के फिर प्लस वन हुआ, तो आउटपुट किसी फिक्स नंबर की तरफ गया क्या? नहीं सर। नहीं, तो फिर ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। समझ में आ गया? यस सर। चलो अब देखो ये क्वेश्चन जो है x इंटू साइन वन बाय एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड जीरो x इंटू साइन वन बाय एक्स। अब देखो हम लोग ने क्या देखा था कि साइन वन बाय एक्स जो है वो किधर जाता है जब x जीरो की तरफ जाता है, टेंडिंग टू साइन वन बाय एक्स तो ऑसिलेट करता है प्लस वन और माइनस वन के बीच में, और ये वाली चीज क्या हो रही है, जीरो अप्रोचिंग हो रही है। अब देखो ये इनसे जब मल्टीप्लाई हो रही होती तो सबको जीरो की तरफ ले जाती क्या? मतलब ये ओवरऑल चीज क्या होती, जीरो की तरफ अप्रोच कर रही होती, तो किस फिक्स नंबर की तरफ अप्रोच कर रही होती, जीरो की तरफ, मतलब लिमिट की वैल्यू क्या आ जाती हमारी, जीरो, द वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी जीरो, ठीक है।
सर मुझे कनेक्शन इश्यूज दिखा रहा है। हाँ सर मुझे भी दिखा रहा है। हाँ सर मुझे भी। सर मुझे भी। देखो अभी ठीक हुआ। हाँ सर। तो देखो x पाई बाय 2 प्लस है। अच्छा तुमको पता है cot 90 डिग्री कितना होता है? जीरो होता है। तो cot of पाई माइनस 90.1 मतलब 180 माइनस 90.1 मतलब एक तरीके से cot 89 डिग्री टाइप का हो गया। ये भी अप्रोक्सीमेटली जीरो के ही पास होगा। अब देखो इसमें GIF वगैरह है नहीं इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे लिमिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है? यस सर। चलो प्रथमेश एनोनिमस सर। हाँ सर मेरा क्विज क्वेश्चन नंबर 9 पे फ्रीज हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं तुम ऐसे ही स्क्रीन पे देख के क्वेश्चंस करते जाओ। ओके सर। ओके ओके गुड। तो देखो ये किससे होगा? ये ग्राफ्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस। देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है? ऐसे टाइप का होता है। अच्छा वन ऐसा है और यहाँ पे पाई बाय टू होता। तो एक्स वन के छोटे से वन की तरफ जा रहा है तो ग्राफ ऐसा होता। तो y की वैल्यू किधर जा रही होती? किस नंबर की तरफ जा रही होती? पाई बाय टू की तरफ। तो यही लिमिट हो जाती है हमारी। ठीक है
सर ये वाला आप दोबारा बता दीजिए, फिर से बताऊं। देखो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है, हम लोग को क्या पूछा गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन माइनस साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स वन के छोटे से वन की तरफ जा रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ ये होता। सो उसके करस्पॉन्डिंग वाई क्या हो रहा होता, वाई ऐसा हो रहा होता, तो वाई किस नंबर की तरफ जा रहा है, पाई बाय टू की तरफ, तो जिस नंबर की तरफ वाई जाता है वही तो लिमिट होती है, तो लिमिट की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय टू। ओके सर, आया समझ में? यस सर। देखो डी ऑप्शन सही है, ठीक है, एक ही लड़के ने, एक ही बच्चे ने सही किया। देखो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स, तो जैसे फिर से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये ऐसा होता। अच्छा वन प्लस मतलब वन के इधर से इस साइड आना, अब इस साइड तो ग्राफ ही नहीं है, तो ये वन जो है हमारा एकदम एंड पॉइंट है, तो एंड पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, केवल लेफ्ट वन साइडेड लिमिट निकालते हैं, तो इधर की लिमिट हम लोग डिस्कस ही नहीं करेंगे। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स, हम लोग ऐसा नहीं लिखेंगे कि ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है, मतलब वोंट डिस्कस अबाउट लिमिट। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, हाँ क्या कह रहे हो, तुम्हारा साउंड बोर्ड, हाँ क्या बोल रहे हो, नहीं लिमिट एग्जिस्ट भी नहीं करेगी, एंड पॉइंट पे क्या होता है, हम लोग बस वन साइडेड लिमिट निकालते हैं एंड पॉइंट पे, जैसे मान लो वन एक एंड पॉइंट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और उसकी जो वैल्यू आएगी वही लिमिट भी हो जाएगी। सर डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि राइट हैंड लिमिट तो है नहीं, क्योंकि
क्योंकि राइट हैंड साइड ग्राफ ही नहीं है, ठीक है, राइट हैंड साइड ग्राफ ही नहीं है। जैसे मतलब मेरे से अगर तू पूछा जाए कि जैसे तुम जो है अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसा करोगे जब जॉब करोगे, तो उसके बारे में मैं कुछ कमेंट कर पाऊंगा क्या? नहीं, नहीं कर पाऊंगा। क्या कर कमेंट कर पाऊंगा कि अगर मेरे से कोई पूछे कि आज कैसा कर रहा है, तो मैं वो कमेंट कर पाऊंगा कि आज कैसा कर रहा है या एक साल से कैसा किया था, तो वैसे टाइप की बात हो गई। ओके चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सर हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, क्योंकि साइन इनवर्स का रेंज माइनस वन से वन तक होता है, साइन इनवर्स का डोमेन माइनस वन से वन तक होता है। हाँ हाँ सर, डोमेन तो फिर वन के आगे की वैल्यू जो डालेंगे तो आएगा ही नहीं कुछ। हाँ वही तो, उस साइड ग्राफ ही नहीं है, वो भी सही बात है। मल्टी सेलेक्ट, 3 मिनट मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, केवल 3 मिनट। 60 आएगा यहाँ पे तो मैं ओवर कर दूंगा। चलो देखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन कॉस इनवर्स एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स वन कॉस इनवर्स एक्स। तो देखो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा होता है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा होता है। अब देखो वन एंड पॉइंट है, तो
तो एंड पॉइंट पे जैसे वन जो है राइट मोस्ट पॉइंट है, तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो वो क्या आता, जीरो आता। अच्छा लिमिट की भी यही वैल्यू होती लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में, और राइट हैंड लिमिट के बारे में नो डिस्कशन, ठीक है, कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो, राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। फिर एल इज इक्वल टू जीरो, ओवरऑल लिमिट भी लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर ही होगी, तो ए और सी आंसर सही है। ठीक है सर, राइट हैंड लिमिट पहले आपने क्या बताया था? देखो राइट हैंड लिमिट इसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, मतलब सॉरी राइट हैंड लिमिट के बारे में डिस्कस ही नहीं करेंगे, वन से बड़े के लिए तो ग्राफ ही नहीं है, सो राइट हैंड लिमिट नो डिस्कशन। ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगा कि राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट नो। ओके सर, ठीक है चलो एंड करते हैं। ओके सो चलो पोडियम देख लिया सबने, प्रथमेश सर्वेश दिव्यांश, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, गुड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। आया थोड़ा सा मजा आया तुम लोग को ये? यस सर। तो हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे क्विज, तो तुम लोग जो है मतलब नेक्स्ट टाइम थोड़े और टफ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा। तो अब मतलब ये सब बेसिक्स क्वेश्चन थे, इसको अब तुम लोग थोड़ा प्रैक्टिस करना, नोट्स पढ़ के आना, तो थोड़े से और टफ क्वेश्चंस वी विल बी डूइंग, और जो पढ़ाया है हाँ नोट्स शेयर कर दूंगा मैं, जो पढ़ाया है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं बुकलेट से तुमको डाल दूंगा। ओके चलो ओके सर, बाय सर, बाय बाय, थैंक यू सर।